हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं क्या क्या कलर यूज करता हूँ, किस कंपनी का कलर यूज करता हूँ, मैं किस टाइप का कलर यूज करता हूँ, इसके बारे में। तो इस वीडियो में आज बताऊंगा मैं कलर को कैसे मिक्स करके यूज करता हूँ इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। पहला व्हाइट एशियन पेंट अपेक्स के साथ और दूसरा स्टेनर मिलाते हैं। पहले वायलेट कलर मिलाता है, अपने हिसाब से मिलाना है क्योंकि ज़्यादा लाइट और ज़्यादा डीप करना है तो अपने हिसाब से मिलाना है। तो ज़्यादा लाइट चाहिए तो ज़्यादा वाइट ले लीजिए और ज़्यादा डीप चाहिए तो ज़्यादा स्टेनर ले लीजिए। देखिए, और ज़्यादा वाइट चाहिए और ज़्यादा लाइट चाहिए तो और लीजिए। सबसे बड़ा ज़रूरी है कि डायरेक्ट नहीं लगाना है, स्टेनर को डायरेक्ट दीवार पर मत लगाना क्योंकि छूट जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ अदर पुट या प्लास्टिक पेन के साथ मिला के लगाना इस ज़रूरी है। ज़्यादा डीप करना है तो देखिए, ज़्यादा डीप करना है तो ज़्यादा स्टेनर लीजिए और ज़्यादा लाइट करना है तो ज़्यादा वाइट लीजिए, आपका मर्जी। तो रेडी हो गया वायलेट कलर। तो सेम प्रोसेस में ब्लू कलर भी ले जाती है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। वही सेम प्रोसेस, पहले व्हाइट लीजिए, इसके बाद पिंक बनाना है तो रेड स्टेनर लीजिए और पिंक से रेड हो जाएगा धीरे धीरे, अपने हिसाब से लीजिए। पिंक टाइप कलर चाहिए तो व्हाइट और रेड को मिक्स थोड़ा थोड़ा करके डीप पिंक करना है। उस स्टेनर पिंक जैसा कलर है, वो प्रॉपर रेड नहीं है तो पिंक जैसा कलर है, तो लाइट पिंक से डीप कलर डीप पिंक हो जाएगा। देखिए, अपने हिसाब से लाइट डीप करके कलर बनाना है आपको। देखिए, लाइट से डीप हो जाएगा, अपने हिसाब से कलर को लगाना है लाइट से डीप। वही सेम प्रोसेस व्हाइट के साथ मशीन कलर, मशीन स्टैंडर्ड कलर है वो डीप पिंक। पहले वो पिंक देखो, लाइट पिंक और डीप पिंक, वो दोनों फर्क कलर फर्क लगता है, अलग अलग कलर है। और स्टैंडर्ड से मिला है वो मशीन कलर, स्टैंडर्ड से मिला के व्हाइट से मिला के दोनों अलग अलग कलर, और देखने को बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो पिंक कलर। दोनों दोनों कलर अलग अलग है, आप देख सकते हो। मैं व्हाइट कलर को और स्टेनर को मिला के क्या क्या कलर यूज करता हूँ, बहुत अट्रैक्टिव कलर। पहले वायलेट, ब्लू, लाइट पिंक, डीप पिंक, तो अच्छा से देख सकती हो। तो मैं व्हाइट और स्टेनर को मिला के मिक्स करके मैं कलर इस तरह का बनाता हूँ। तो नेक्स्ट लीजिए, येलो कलर से मैं मिला के क्या क्या कलर यूज करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट येलो कलर ले जाती है, स्टेनर से मिलाना ज़रूरी है क्योंकि स्टेनर डायरेक्ट दीवार पर लगाते हैं तो छूट जाने के चांस बहुत है। ग्रीन स्टेनर से येलो मिक्स करते हैं तो देखते हैं, लाइट ग्रीन से लाइट से डीप हो जाएगा। अपने हिसाब से ले लेना, ज़्यादा डीप चाहिए तो ज़्यादा स्टेनर लीजिए, ज़्यादा लाइट चाहिए तो ज़्यादा येलो चाहिए, येलो ग्रीन के लिए। आप देख सकते हो, येलो से थोड़ा थोड़ा मिला के लाइट ग्रीन हो गया।
इसके बाद थोड़ा थोड़ा मिला के डीप करना है, आप देख सकती हैं फैब्रिक का लाइट ग्रीन कलर और स्टेनर का लाइट ग्रीन मैंने सेम टाइप लगता है, कलर लगा के देखा जाता है, आप देख सकती हैं सेम टाइप और स्टेनर कलर और फैब्रिक कलर सेम टाइप लगता है। तो चल देखती है नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट येलो के साथ को रेड मिलाता है वो ऑरेंज कलर आता है और रेड स्टेनर मिलाता है सेम इंडिगो कंपनी का। येलो से थोड़ा थोड़ा मिलाता हूँ, देखती है देखो ऑरेंज कलर आता है रेड स्टेनर से और रेड स्टेनर और येलो को मिला के ऑरेंज आता है, तो आप देख सकती हो अपने हिसाब से लाइट डिप करना, और ज़्यादा डिप चाहिए तो ज़्यादा स्टेनर डालिए और ज़्यादा लाइट चाहिए तो येलो डालिए, अपने हिसाब से डालना लाइट डिप करके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कलर, सेम टाइप कलर मैं दूसरा व्हाइट से मिला के देखता हूँ पिंक कलर बना के, वो मैसेन कलर को मिला के वो दोनों सेम कलर लगता है और ज़्यादा वो कलर ज़्यादा डीप लगता है, डीप ऑरेंज टाइप लगता है कलर, आप देख सकती हूँ सेम प्रोसेस, वो ज़्यादा लाइट लगता है वो ज़्यादा डीप लगता है, मैसेन कलर ज़्यादा डीप लगता है, स्टेनर इंडिगो का ज़्यादा लाइट लगता है। तो चलिए देखते हैं फिर से नेक्स्ट कलर, देखो सेम कलर रेड स्टेनर और मैसेन स्टेनर कलर को मिला के दोनों लाइट डिप करके पिंक कलर के यूज करता हूँ। तो नेक्स्ट भी आप देख सकते हो मैसेन कलर, नेक्स्ट देख सकते हो आप सेम प्रोसेस लाइट कलर डीप कलर ऑरेंज कलर भी लाइट कलर डीप कलर हो जाता है, मैसेन कलर से ज़्यादा डीप हो जाता है ऑरेंज कलर और स्टैंडर्ड कलर से ज़्यादा लाइट हो जाता है ऑरेंज कलर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कलर, सेम प्रोसेस येलो एशियन पेंट अपेक्स का येलो कलर ले जाती है, इसके बाद ब्लू स्टेनर को मिला के ग्रीन कलर निकालते हैं, थोड़ा सा ब्लू स्टेनर ले जाती है, इसको दोनों को अच्छा से मिक्स करके ग्रीन कलर निकल सकती है, आप देख सकती हो ग्रीन कलर सेम टाइप लगता है, अच्छा से मिक्स कर देता हूँ। वही सेम प्रोसेस में रेड और ब्लैक को मिला के रेड कलर और ब्राउन कलर निकालते हैं, तो इस तरह मैं कलर को मिक्स करके यूज करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा इस तरह नया नया पेंटिंग नया नया डिज़ाइन और नया नया इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा लाता रहूँगा।